बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 32 केंद्रों पर 8,174 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,340 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,834 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि बुधवार को 5,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था तथा लक्ष्य के सापेक्ष 8,174 लोगों को टीकाकरण किया गया। एडिशनल सीएमओ ने जनता से अपील किया है कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ मास्क अवश्य लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा, ममता कोई है क्या? हाँ ममता है। बाहर की महिलाओं नीचे वाला नाम तो उन्हें में दिक्कत हुई जब हुआ था। अरे तो सबसे पीछे आ रहा है, सबसे आगे आ जाएगी। आज कुल 32 जगहों पर कोविड टीकाकरण हो रहा है और आज का हमारा लक्ष्य 5,000 हमने निर्धारित किया है। सर, जनता से क्या अपील करना है? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अभी जो कोविड बूथ बनाए गए हैं वहाँ सुबह से ही काफ़ी भीड़ हो जाती है और लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक खड़े होते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। काफ़ी लोग जब मैं भ्रमण करने गया तो वहाँ देखा कि मास्क में भी नहीं है, यह भी उचित नहीं है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टीकाकरण से जितनी हम बचाव करेंगे उससे ज़्यादा खतरा बना रहेगा कोविड के प्रसार और संक्रमण का।